हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। केवीएस की प्रिपरेशन में आज का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशन 4, यानी कि जो लर्निंग को इम्पैक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं प्लस उनकी क्या इम्प्लीकेशंस रहेंगी। डिजाइनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस, यानी क्लासरूम को इंस्ट्रक्ट करने के लिए हम वो फैक्टर्स किस तरीके से अफेक्ट करेंगे जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज, स्टूडेंट की एक्टिविटीज को प्लान करते टाइम, और क्रिएटिंग लर्निंग स्पेसेस इन स्कूल। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ एक स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम जल्दी से मैराथन लेके कंप्लीट करा दीजिए, फरवरी में एग्जाम है। आई नो आप लोगों को पता चला है तो मुझे भी पता चल ही गया होगा कि फरवरी में एग्जाम है, और 15 जनवरी तक मैं कोशिश करूंगी कि आपकी वीडियोज जो है वो सारी डल जाए इस टॉपिक से रिलेटेड, इन टॉपिक से, मतलब जो पेडागोजी का सिलेबस है मैं कोशिश करूंगी कि 15 जैन तक वो कंप्लीट हो जाए मेरी तरफ से, ठीक है। और ज्यादा ज्यादा रहेगा तो 15 जैन के बाद सिर्फ एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन रहेगा। जितने भी क्वेश्चंस होंगे, अब वो चाहे कितनी देर की वीडियो हो, वो मैं फिर एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस जो है वो सारे करवा दूंगी आपके, ठीक है। ट्राई करूंगी, मैं पक्का नहीं कह रही कि जो है जो लाइव, मैं ये सोच रही थी अभी तक कि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला सेशन है अपना उसको मैं लाइव ले लूं ताकि आप लोगों के कोई और कंफ्यूजन हो तो वो भी आके क्लियर हो जाए, ठीक है जी। सो आप बताइएगा लाइव लेना चाहिए या फिर वो वाला जो सेशन है एक ही कंप्लीट सेशन उसकी मैं वीडियो ही अपलोड कर दूं, ठीक है। सो अभी शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। वैसे तो ये जो टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग इन जनरल टॉपिक है, बिकॉज ऑब्वियसली आपने केवीएस के लिए अप्लाई किया है, सो आप एक एलिजिबिलिटी के साथ आए हैं, यानी कि आपने बीएड वगैरह कुछ ना कुछ कर रखा है या डीएड भी कर रखा होगा, ठीक है। सो पॉइंट क्या है कि आप एक बार थोड़ा सा सोचने की कोशिश करेंगे ना, तो हर चीज जो कि लर्निंग को अफेक्ट करती है, अब लर्निंग को क्या अफेक्ट करेगी, अगर बीइंग अ टीचर मुझे नॉलेज ही नहीं है किसी चीज की, तो मैं आप लोगों को क्या डिलीवर करूंगी ना, मैं आप लोगों को कैसे समझाऊंगी। तो वो जो मेरी नॉलेज है सब्जेक्ट की वो भी अफेक्ट करेगी कि मुझे कितनी नॉलेज है बीइंग अ टीचर, प्लस आपको बीइंग अ स्टूडेंट उस टॉपिक की कितनी प्रीवियस नॉलेज है वो चीज भी अफेक्ट करेगी लर्निंग को, तो कि आप कितना जल्दी सीख पाते हैं, ठीक है। और अगर आपको उस चीज से रिलेटेड प्रीवियस नॉलेज है तो क्लासरूम इंस्ट्रक्शन जो है वो टीचर जो है उसी तरीके से देगा जो बच्चे को नॉलेज है, राइट। सो हर चीज को जो है, मतलब आपको कहीं बुक में एग्जैक्ट नहीं लिखा मिलेगा, बट आपको हर चीज को इनसे कनेक्ट करके देखना है, ठीक है, कि कैसे जो है क्लासरूम इंस्ट्रक्शन जो डिजाइन कर रहे हैं उनको अफेक्ट कर सकते हैं चीजें, कैसे स्टूडेंट की एक्टिविटीज को प्लान करते टाइम चेंज कर सकते हैं, या फिर एक जो एनवायरमेंट है कंड्यूसिव बढ़िया एनवायरमेंट जो है वो कैसे अफेक्ट करेगा लर्निंग को, ठीक है। चलिए, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग में मेजरली हम 4 फैक्टर्स लेके चलते हैं, यानी लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स जो कि लर्नर से रिलेटेड हैं, जो सीख रहा है उससे रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड है, टीचर रिलेटेड फैक्टर जो टीचर से रिलेटेड है, जैसे मैंने सब्जेक्ट नॉलेज का बताया, और लर्नर में मैंने क्या बताया, जो प्रीवियस नॉलेज बच्चे को होगी वो, कंटेंट रिलेटेड की जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूं, मान लो मैंने देख लिया कितनी प्रीवियस नॉलेज है, अब वो टॉपिक आपको बेसिक लेवल से पढ़ाया जा रहा है या फिर एडवांस्ड लेवल का पढ़ाया जा रहा है, सो वो क्या रहेगा, कंटेंट से रिलेटेड फैक्टर्स भी अफेक्ट करेंगे। अब प्रोसेस रिलेटेड फैक्टर्स में क्या आएगा कि मान लो आप किस स्ट्रेटजी से पढ़ा रहे हैं, कौन सा सिलेक्शन, कौन सा मेथड आपने सिलेक्ट किया है वगैरह वगैरह, तो वो सारी चीजें प्रोसेस रिलेटेड फैक्टर्स में आ जाएंगी। तो आप जब गौर करेंगे तो ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं क्लासरूम इंस्ट्रक्शन को भी अफेक्ट करेंगे, प्लानिंग स्टूडेंट की जो एक्टिविटी टीचर प्लान कर रहा है उसको भी अफेक्ट करेंगे, प्लस एक जो स्पेस, लर्निंग का स्पेस, बढ़िया स्पेस एनवायरमेंट हम क्रिएट करना चाह रहे हैं उसको भी अफेक्ट करेंगे, ठीक है। सो एज इट इज इनके थ्रू नहीं चलेंगे, अब हम इन हेडिंग्स के थ्रू चलेंगे कि लर्नर रिलेटेड कौन से फैक्टर्स हैं, टीचर रिलेटेड, कंटेंट रिलेटेड और प्रोसेस रिलेटेड। सबसे पहले बात आती है लर्नर रिलेटेड की, सो उसमें क्या आ जाएगा, लर्नर की जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है वो लर्निंग को इम्पैक्ट करेगी। अगर लर्नर की फिजिकल हेल्थ सही नहीं है, मान लो अभी जैसे मैं बीमार थी थोड़ी सी, अब थोड़ी सी ठीक हुई हूं, तो तबियत खराब की वजह से आप इतना आउटपुट इतना बढ़िया तरीके से सीख नहीं पाएंगे जितना एक हेल्दी, चाहे वो मेंटली हेल्दी हो या फिर फिजिकली हेल्दी हो, वो लर्नर बेहतर सीख पाएगा, ठीक है। अभी आप लोगों को ही लगा लो, मान लो केवीएस की तैयारी कर रहे हैं 1000 लोग, एग्जाम्पल ले रही हूँ, 1000 से तो बहुत ज्यादा होंगे, अब उस 1000 में से
हम मान के चल रहे हैं कि मान लो 500 की तो तबीयत जो है वो ऊपर नीचे होगी, ठीक है, ठंड की वजह से लगा लीजिए, कोई और इश्यू लगा लीजिए, ठीक है, या फिर घर में कोई इश्यू हो रहा है तो उसकी वजह से तबीयत नहीं बट मेंटल हेल्थ गड़बड़ हो रही होगी, ठीक है। सो पॉइंट कहने का क्या मतलब है कि वो लोग इतना बेटर तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे जिनकी फिजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ गड़बड़ा रखी है किसी भी रीजन से, चाहे घर में कलेश हो रहा हो, चाहे आपकी खुद की तबीयत खराब हो ठंड की वजह से या किसी भी रीजन से, ठीक है। या फिर इवन लड़कियों में अगर पीरियड्स भी आ गए तो उसमें भी उनके क्रैम्प्स होंगे और दर्द होगा, तो उस वजह से भी वो ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे पर्टिकुलरली उन 2-3 दिन में, राइट। सो लर्नर की फिजिकल और मेंटल हेल्थ लर्निंग को इम्पैक्ट करेगी। बेसिक पोटेंशियल ऑफ लर्नर, अब आप वो होता है ना कि हर एक इंसान की एक कैपेबिलिटी होती है, ठीक है, बेसिक पोटेंशियल होता है कि एक कैलिबर होता है कि वो इंसान कितना काम कर पाएगा और कितना नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो वो चीज भी इंपैक्ट करेगी जब लर्निंग की बात हम करेंगे, तो वो भी लर्नर से रिलेटेड फैक्टर हो गया। अब चलो बेसिक पोटेंशियल तो जो भी है बट अगर आपका लेवल ऑफ एस्पिरेशन, लेवल ऑफ अचीवमेंट या मोटिवेशन ही डाउन है तब हम क्या कर सकते हैं, राइट। अब अगले इंसान ने देखना ही बिग बॉस है और उसने नहीं पढ़ना और वो टाइम नहीं दे रहा पढ़ाई को, तो फिर वो एस्पिरेशन तो हमें दिख ही नहीं रही ना कि भाई बहुत ऐसे शिद्दत से केवीएस की जॉब लेनी है। अभी एक महीने की बात है तो ऐसे मन लगा के जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए कि एक महीने की बात है, दैट्स इट। और यहाँ पे तो वो वाली चीज भी नहीं है जैसे पेरेंट्स बोल देते हैं टेंथ में कि भाई थोड़ी दिन पढ़ लो, टेंथ की बात है या ट्वेल्थ की बात है, यहाँ पे तो एक्चुअली एक महीने की बात है। अगर आप एक महीना पढ़ लेते हैं तो मतलब जॉब आपके हाथ में है, एक सिक्योरिटी है, उसके बाद आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं, राइट। सो वो क्या है, लेवल ऑफ एस्पिरेशन जो है वो लर्निंग को अफेक्ट करेगा। लाइफ में आपके क्या गोल्स हैं वो ऑब्वियसली अफेक्ट करेंगे, तो वो लर्नर रिलेटेड हो गया। रेडीनेस एंड विल पावर, अब महीना तो एक ही है केवीएस के लिए बट आप उसके लिए रेडी हैं, मतलब आप में इतनी कैपेबिलिटी है, चीजें हैं आपके पास, जैसे हम बोलते हैं ना बच्चे को स्कूल के लिए रेडी करना, तो वो स्कूल रेडीनेस हो गई। सो लर्नर की रेडीनेस, लर्नर उस काम को करने के लिए, उस चीज को सीखने के लिए कितना रेडी है, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो या मेंटल लेवल पे हो। अब मान लो आपको जाना तो SSB के थ्रू किसमें, फौज में जाना है, आपने फौज में भर्ती होना है लेफ्टिनेंट, बट आपकी फिजिकली आप इतने हेल्दी या इतने फिट नहीं है, रेडी नहीं है कि आप उसका इंटरव्यू दे पाए, ठीक है। या फिर आपको पता है कि अगर मैंने इंटरव्यू क्लियर किया तो फिजिकल में निकल जाएंगे, ठीक है, जब मेडिकल होगा उस टाइम पे। सो एक विल पावर और एक रेडीनेस, ये दोनों होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होंगे और ये डामाडोल है तो वो लर्निंग को अफेक्ट करेंगी। मतलब पॉइंट ये है कि लर्निंग को अफेक्ट कोई भी चीज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में कर सकती है, बिकॉज हम सिर्फ नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं उन चीजों की बात नहीं कर रहे, कोई चीज अगर पॉजिटिवली अफेक्ट कर रही है, जैसे लर्नर की हेल्थ अगर बढ़िया है तो वो पॉजिटिवली अफेक्ट करेगी उसको, अगर अच्छी नहीं है तो वो नेगेटिवली अफेक्ट करेगी, ठीक है। सो हर कोई फैक्टर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में अफेक्ट कर सकता है। देन आते हैं जी टीचर से रिलेटेड फैक्टर, तो सबसे पहले तो रहेगा मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट। अब अगर मुझे आता ही नहीं होगा पेडागोजी, मैंने खुद नहीं पढ़ रखी होगी MEd के दौरान, या बाद में अगर मैंने बुक्स नहीं पढ़ी तो मैं आप लोगों को डिलीवर कैसे करूंगी, राइट। सो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, अभी सब्जेक्ट वाइज ही मान लो TGT में आप दे रहे हैं और TGT में आपने सोशल साइंस के लिए भर दिया लेकिन आपको हिस्ट्री इकोनॉमिक्स इन चीजों की नॉलेज ही नहीं है, राइट। सो आप अगर मास्टरी नहीं हुई तो आप समझाएंगे क्या, राइट। फिर है तो वो फैक्टर अफेक्ट करेगा ना लर्निंग को। पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड बिहेवियर ऑफ द टीचर, अब टीचर का बिहेव कैसा है, टीचर की पर्सनालिटी ट्रेट्स कैसे हैं, जैसे मैंने क्वालिटीज ऑफ गुड टीचर करके एक क्लास ली थी आपकी, अगर आपने नहीं देखी हो तो देखिएगा, क्योंकि उससे एक क्या होता है, ये जो इस तरीके की क्लासेस होती है ना, जैसे क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर हो गया, उसमें आपके सिलेबस में मेंशन हो ना हो चीजें, बट आपकी एक जो थिंकिंग लेवल है ना वो थोड़ा सा डेवलप होता है कि अगर क्वेश्चन किस तरीके से आता है तो उसमें आप अपने लॉजिक्स लगा सकते हैं, फिर अगर आपने कॉन्सेप्चुअल जो है वो क्लैरिटी आपके अंदर है तो, ठीक है। सो पर्सनैलिटी ट्रेट्स और बिहेवियर दोनों मैटर करेंगे, लर्निंग को अफेक्ट करेंगे। लेवल ऑफ एडजस्टमेंट एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द टीचर, अब टीचर के घर में ही कलेश हो रहा है तो वो आपको इतना मेंटली हेल्दी नहीं है ना, टीचर खुद ही, तो वो आपको कैसे अच्छे से पढ़ाएगा। सो टीचर का मेंटली हेल्दी होना भी जरूरी है, स्टूडेंट का तो है ही कि वो फिजिकली और मेंटली हेल्दी हो, लेकिन टीचर का भी हेल्दी होना बहुत जरूरी है। टीचर का लेवल ऑफ एडजस्टमेंट भी डिपेंड करेगा। अब लेवल ऑफ एडजस्टमेंट में हम कई तरीके से ब्रॉड एस्पेक्ट्स ले सकते हैं कि टीचर कितना एडजस्ट करना चाह रहा है। जैसे कई बार आप वेब सीरीज देखते हो, या हो सकता है आपका खुद का भी एक्सपीरियंस हो, आपने
कोई चीज आपको समझ नहीं आई, आपने टीचर से पूछा, टीचर ने एक बार बताया, चलो पेशेंस रख के, आपने दूसरी बार पूछ लिया, तो वो दूसरी या तीसरी बार में ऐसे हाइपर हो गए और वो एडजस्ट करना ही नहीं चाह रहे कि तुम निकलो क्लास से बाहर, ठीक है। सो वो चीजें अफेक्ट करेंगी लर्निंग को, तो वो टीचर से रिलेटेड हो गई चीजें। टाइप ऑफ डिसिप्लिन एंड इंटरेक्शन मेंटेन बाय टीचर, टीचर किस तरीके का इंटरेक्शन बच्चों के साथ मेंटेन कर रहा है और टाइप ऑफ डिसिप्लिन कैसा है। अब एक तो हो कि सबको चुपचाप बिठा रखा है, जो मैं बोल रहा हूँ सुन लो, बात वहीं पे खत्म, बस उतना पढ़ लेना, आपका एग्जाम अच्छे से हो जाएगा। या फिर ये हो कि एक डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट हो भाई, वहां पे बच्चे जो है वो अपने क्वेश्चंस अपने सामने रख पाए, क्वेश्चन पूछ पाए, अपने जो पॉइंट ऑफ व्यूज है वो सामने रख पाए कि वो किस तरीके से किस चीज को देखते हैं, उनका क्या नजरिया है, राइट। सो वो टाइप ऑफ डिसिप्लिन और इंटरेक्शन टीचर का किस तरीके का है। अब टीचर का इंटरेक्शन बच्चों के साथ रूड बिहेवियर और खड़ूस वाला है कि वो बता ही नहीं रहे दूसरी बार पूछने पे, या फिर ऐसे बोल रहे हैं तुम्हें इतना भी नहीं पता, तुम 11th क्लास में आ गए या तुम 12th क्लास में आ गए और तुम्हें ये नहीं पता एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, राइट। सो वो चीज क्या हो जाएगी, एक इंटरेक्शन पॉजिटिव वे में नहीं है, बहुत रूड वे में है, उस वजह से बच्चे में एक फियर जो है वो डेवलप हो जाएगा और हो सकता है कि बच्चा उसके बाद आपसे सवाल ही ना करे, और आपसे तो क्या हो सकता है, वो किसी और टीचर से भी टॉपिक पे सवाल ना करे, उसको जितना आता होगा वो उतना लिख आएगा, बात वहीं खत्म, राइट। तो उसकी लर्निंग तो अफेक्ट हो गई ना वहां पे, सो लर्निंग को वो चीजें भी अफेक्ट करेंगी। फिर कंटेंट रिलेटेड फैक्टर्स की, कंटेंट का नेचर क्या है, ठीक है, नेचर ऑफ कंटेंट या फिर लर्निंग एक्सपीरियंसेस, आप किस तरीके की चीजें बच्चों को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। मान लो आप साइंस पढ़ा रहे हैं और आपने एक अच्छा सा कंटेंट किसी टॉपिक पे निकाला और आप चाह रहे हैं कि इसको तो बिल्कुल ऐसे लर्निंग बाय डूइंग से होना चाहिए कि बच्चों को जो है खुद एक्सपीरियंस हो जाए उस चीज का, राइट। तो वो चीजें ज्यादा बेटर तरीके से समझेंगे ना बच्चे। सो नेचर क्या है आपके कंटेंट का या लर्निंग एक्सपीरियंसेस का, उस पर भी डिपेंड करेगा लर्निंग का, जो लर्निंग को इंपैक्ट करेगी, चीजें अफेक्ट करेंगी। सिलेक्शन ऑफ कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंसेस, अब आपने नेचर तो सोच लिया, अब आप सिलेक्ट किस तरीके का कंटेंट कर रहे हैं वो भी अफेक्ट करेंगी। अब एक तो हो कि मैं बिल्कुल ऊपर तौर पे जो है सीटेट के लेवल का पढ़ा दूं और बोल दूं कि ठीक है इसी में से आएगा, एक मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के, एक्स्ट्रा मेहनत करके, कई बुक्स में से देख के उस टॉपिक में और क्या क्या चीजें ऐड हो सकती हैं जो कि एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, मतलब एक्सप्लिसिटली आपके सिलेबस में ऐसे बाहरी तौर पे नहीं लिख रखी। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, थियोरीज ऑफ लर्निंग या थियोरीज ऑफ डेवलपमेंट, कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि आपको पियाजे की थियोरी करनी है, राइट। कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि आपको पेवलोव पढ़ना है, बट हम एक बीइंग अ टीचर, हमारा एक उत्तरदायित्व बनता है ना, कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिस्ट में आपको ये बताएं कि भाई इसमें ये चीज भी इंक्लूड हो सकती है, ये भी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा किस लेवल तक वो जा सकते हैं क्वेश्चन पूछने में। सो वो चीज क्या है कि आप किस तरीके का कंटेंट का सिलेक्शन कर रहे हैं वो आप पे डिपेंड करेगा। देन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, अब आप उसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे। अब जैसे मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग, अभी अगर देखा जाए तो लर्निंग इंपैक्ट फैक्टर, ये जो फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग है, ये हमारी थियरीज के बाद मेंशन है कि जो थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव है हमारा बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म का, उसके बाद हमें मेंशन कर रखा है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग पढ़ने आपको। बट जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट और टीचिंग और उसका बताया लर्निंग का कॉन्सेप्ट, तो उसके बाद जब मैंने लर्निंग आपको समझाई दिया तो उस लर्निंग को क्या क्या चीजें अफेक्ट कर सकती है वही पढ़ाऊंगी ना। अगर मैं बीच में थियरीज ले आई फिर मैं आगे गई, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहेगा कॉन्टेंट। सो वो ऑर्गेनाइज्ड वे में चीजें चले वो भी बहुत जरूरी है, जब कॉन्टेंट से रिलेटेड चीजें होंगी। अब प्रोसेस से रिलेटेड, अब आपको पता तो है कि ये कंटेंट है, ये ऑब्जेक्टिव्स है, ये सारी चीजें हैं, बट मेथडोलॉजी कौन सी अडेप्ट करेंगे, आप कैसे पढ़ाएंगे बच्चे को, क्या एक्सपीरियंस उनको देना चाहेंगे, तो वो प्रोसेस क्या रहेगा, ये मैंने आपको जो मैंने सजेस्ट भी किया था कल की वीडियो में कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने नेट के पेपर के लिए पढ़ाया था फर्स्ट क्लास उस फर्स्ट क्लास को देखिएगा, मैंने बोला था उसके अंदर भी मैंने बता रखा है कि मेथडोलॉजी की जब बात आएगी कि आप किस तरीके से पढ़ाएंगे, क्या कंटेंट होगा, वो किस में आ जाएगा, प्री एक्टिव फेज में आ जाएगा टीचिंग का, ठीक है। तो वो फेजेस भी आपको पता होने चाहिए, तो मेथडोलॉजी पे डिपेंड करेगा जब हम प्रोसेस की बात करेंगे कि लर्निंग किस तरीके की हो रही है। एक तो है कि आप उनको लर्निंग बाय डूइंग सिखा रहे हैं, कि आप जो उनको करने को दे रहे हैं चीजें, कि वो कॉन्क्रीट चीजों को टच कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वो सब चीजें हो रही हैं। और एक आपको बस उनको पहाड़े याद करा दिए, बस रटा दिए, क्रैम करवा दिए, रोट लर्निंग हो गई, ठीक है। सो वो चीजें डिपेंड करेंगी कि लर्निंग किस तरीके की हो रही है,
ओके सो मेथड जो है जो बीइंग अ टीचर आप एक मेथड अडॉप्ट करते हैं किसी टॉपिक को किसी चीज को पढ़ाने के लिए वो बहुत ज्यादा हद तक रोल प्ले करेगा जब लर्निंग कैसी होगी उसमें. जैसे मेथडोलॉजी में क्या क्या फैक्टर्स आ जाएंगे, लिंकिंग ऑफ द न्यू लर्निंग विद पास्ट, कि आप कोशिश करें कि पास्ट में बच्चे को क्या चीजें आती हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप जो है एग्रीकल्चर टॉपिक पढ़ा रहे हैं सो उस एग्रीकल्चर टॉपिक में आप बच्चे से ये पूछ सकते हैं कि अच्छा ठीक है खेत में कौन कौन गया है, या फिर जो है फार्मर किस किस के पेरेंट्स हैं, या जो है घर में किसने देखा है कि हाँ भाई फार्मिंग कैसे होती है. ठीक है सो वो सारी चीजें क्या कर सकते हैं आप ट्राई कर सकते हैं. वो हम किस में पढ़ते हैं जब हम ये देखते हैं ना कि बच्चे की पेपी के टेस्टिंग मतलब प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करते हैं हम जब लेसन प्लान पढ़ेंगे तब भी देखेंगे. सो उस टाइम पे हम देखते हैं कि किस तरीके से उन बच्चों को पहले कितनी नॉलेज है और हम कैसे उसको कनेक्ट करके समझा सकते हैं थोड़ा डेली लाइफ से कनेक्ट करके. सो आपको पास्ट एक्सपीरियंसेस से कनेक्ट करना है बच्चे के. ठीक है तो वो लर्निंग से ज्यादा अच्छे से सीख पाएगा, लर्निंग उसकी बेहतर हो पाएगी. सो अब आप किस तरीके के मेथड्स यूज करते हैं किस तरीके की चीजें यूज करते हैं वो लर्निंग को इंपैक्ट करेंगे. Correlating the learning in different areas. अब different areas में भी आप उसको correlate कर सकते हैं कि जैसे मान लो आप maths पढ़ा रहे हैं लेकिन आप उनसे पूछ रहे हैं कि कभी दुकान पे गए हो, दुकान पे जाके कौन कौन सा सामान खरीदा, सामान खरीदने के बाद कितने पैसे दिए थे, उसने कितने पैसे वापस दिए. सो आप उससे addition subtraction ही पूछ रहे हैं indirectly, but आप उसको different areas different चीजों के साथ relate कर रहे हैं. okay? Utilization of maximum number of senses. तो जब हम ये हम उसमें cone of experiences में भी पढ़ेंगे जो एडगर डेल ने दिया है उसमें भी देखते हैं हम कि कितने सेंसेस आप यूज कर सकते हैं. ठीक है एक तो है कि आप बच्चे की सिर्फ क्या कर रहे हैं आप सिर्फ बोल के पढ़ा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं सिर्फ उसका जो सुनने की सेंस है ना वो काम कर रही है सुनने की शक्ति. ठीक है एक आप उसको कुछ साइड में पीपीटी एनिमेशन कुछ दिखा रहे हैं और साथ में उसमें आवाज भी आ रही है तो वो ऑडियो भी हो गई एनिमेशन. ओके ऑडियो भी हो गई और विजुअल भी हो गई दो सेंसेस काम कर रहे हैं. एक आप उससे क्या करवा रहे हैं एक्टिविटी करवा के देख रहे हैं. ठीक है अब वो एक्टिविटी करके देख रहा है तो उस टाइम पे वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व्ड है तो ज्यादा सेंसेस इस्तेमाल हो रहे हैं क्योंकि टच वाला सेंस वो अभी कुछ चीजों को छू के देख रहा है कर रहा है चीजें खुद तो वो वहां पे क्या है दूसरा एक और सेंस इंक्लूड हो गया. तो जितने ज्यादा सेंसेस आप इंक्लूड कर सकते हैं यूटिलाइज कर सकते हैं वो आपको करने चाहिए उससे बेटर होगी लर्निंग. ठीक है तो वो फैक्टर जो है वो लर्निंग को इम्पैक्ट करेगा. आप कभी गौर कीजिएगा एक तो आप सिर्फ ऑडियो सुन रहे हैं किसी की और एक आप ऑडियो और वीडियो दोनों देख रहे हैं तो वो वीडियो में एक पिक्टोग्राफिक मेमोरी आपकी बन जाती है. ठीक है तो वो बेटर तरीके क्योंकि उसमें दो सेंसेस इन्वॉल्व हो गए आपके एक आपका ऑडियो और एक आपका वीडियो. ठीक है तो जितने ज्यादा सेंसेस आप यूज करेंगे उतनी ही ज्यादा बेटर लर्निंग जो है वो बच्चे की होगी. प्रोविजन ऑफ ड्रिल वर्क रिविजन एंड प्रैक्टिस. तो जो चीजें करवाई है उसको रिपीट करना रिवाइज करना और प्रैक्टिस करना जो मैं आप लोगों को भी बोलती हूँ कि कंसिस्टेंट रहिए और रिवाइज करते रहिए. रिविजन इज द की टू एनी सक्सेस एनी टाइप ऑफ सक्सेस. ठीक है आप चीजों को बार बार रिपीटेडली करके देखेंगे सो आप ऑलरेडी उस चीज में मास्टरी कर लेंगे. आपको पता होगा कि क्योंकि ना आपने भी नोटिस किया होगा जब आप एक बुक को चार बार पढ़ते हैं तो चारों की चार बार आप अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ नया आपको मिल जाता है कि अच्छा इस लाइन में ये भी था इसका मतलब ये भी था. सो वो ड्रिल वर्क रिविजन और प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है. देन है जी प्रोविजन ऑफ प्रॉपर फीडबैक एंड रेनफोर्समेंट. अब बच्चा जिस तरीके से कर रहा है टीचर को भी फीडबैक देना चाहिए कि क्या क्या कमियां हैं क्या क्या चीजें हो सकती हैं. सो वो एक प्रोविजन अगर होगा प्रॉपर फीडबैक का रेनफोर्समेंट का जो हमने स्किनर में भी पढ़ा है रेनफोर्समेंट आपने नहीं देखा है तो देखिएगा. सारी की सारी लर्निंग थियरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको वो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी सजेस्ट करने वाली थी बट अभी सुन लीजिए. लर्निंग थियरीज आपको करनी है सारी की सारी. बिहेवियरिज्म करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में. सो ये लर्निंग थियरीज आप करके आएंगे जी. ठीक है सारी की सारी ताकि आप बिहेवियरिज्म कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म बेटर तरीके से समझ पाए. ओके सो वो थियरीज आपकी डन होनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि पेवलोव ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था किस पे किया था क्या चीजें थी. ओके प्रोविजन ऑफ प्रॉपर फीडबैक और एनफोर्समेंट भी बहुत जरूरी है. देन है दूसरा टीचिंग लर्निंग एनवायरमेंट एंड रिसोर्सेज. तो एनवायरमेंट कैसा है आपका एनवायरमेंट मतलब पॉजिटिव एनवायरमेंट है या आप बिल्कुल ऐसे डांट रहे हैं बच्चे को या कुछ बच्चे को डांट रहे हैं कुछ को यहाँ साइड में पनिशमेंट देके खड़ा कर रखा है. ठीक है तो वो चीजें क्या है वो एनवायरमेंट बहुत मैटर करेगा. सो एनवायरमेंट एक पॉजिटिव क्लीन अच्छा एनवायरमेंट होना चाहिए और रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी पे भी चीजें डिपेंड करेंगी. अब लर्निंग जो है अब आप सिखाना तो
उनको चाह रहे हैं लर्निंग बाय डूइंग से, बट लर्निंग बाय डूइंग के लिए जो जो चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, जो जो रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए, वो आपके पास नहीं है. तो लर्निंग को इम्पैक्ट करेंगी ना वो चीजें, राइट? सो लर्निंग को इम्पैक्ट करने वाले फैक्टर्स जो है वो घुमा फिरा के आपको इन्हीं में से दिखेंगे. जैसे कुछ एक और फैक्टर्स है, सोशियो इमोशनल क्लाइमेट अवेलेबल इन द इंस्टीट्यूशन. तो सोसाइटी और इमोशनल लेवल पे कैसा एनवायरमेंट है, वहां पे कैसा क्लाइमेट है, प्यूपिल का रिलेशन क्या है, बच्चों का आपस में क्या है, स्टाफ का आपस में कैसा रिलेशनशिप है, तो वो सारी चीजें भी मैटर करेंगी. क्योंकि अगर मान लो स्टाफ है और दो टीचर, मतलब टीचर्स की आपस में ही नहीं बनती और वो आपस में ही जो एक दूसरे की नुक्स निकालने में या क्लास में भी बच्चों के सामने एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, तो दैट्स नॉट गुड ना. वो एक अच्छी टीचर की क्वालिटी नहीं है. अगर टीचर क्लास में आके किसी दूसरे टीचर के बारे में भला बुरा बोले या इनडायरेक्टली कुछ बोले, तो दैट्स नॉट गुड. ठीक है, सो वो चीज आपको ध्यान रखनी. ये चीज आप इंटरव्यू में भी हमेशा ध्यान रखेंगे कि इंटरव्यू में आप, मान लो आपका मैथ्स वीक है और आपने, मतलब सामने वाले को बताना है कि वीक है, वो पूछेगा क्यों वीक है, क्या गड़बड़ रही, क्योंकि अब तो आप भी टीचर बनने वाले हैं. ठीक है, सो वो क्यों वीक रहा, क्यों आपके मार्क्स कम रहे, सो वहां पर आप कभी भी टीचर को दोष नहीं देंगे. ठीक है, कि मेरे टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया था, बिकॉज आप भी कल को टीचर बनने जा रहे हैं. सो एक अच्छे टीचर की क्वालिटी ये बिल्कुल नहीं होती कि आप दूसरे की जो है बुराई करें. सो एक अच्छी अच्छी वो होते हैं सारी अच्छी अच्छी बातें, कि आप बिल्कुल ऐसे अच्छे बच्चे की तरह जाएंगे सारी चीजें बिल्कुल. तो अपनी सोच को अच्छा करके आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे ना, तो सारी चीजें सही हो जाएंगी. देन है जी अवेलेबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट लर्निंग मटेरियल, फैसिलिटीज, रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं उस पर डिपेंड करेगा. एक कंड्यूसिव एनवायरमेंट हो, बढ़िया एनवायरमेंट हो जिसमें प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट हो, काम और पीसफुल एनवायरमेंट हो. ऐसा ना हो कि शोर शराबा हो रहा है प्लस बाहर से ट्रैफिक का शोर आ रहा है, क्योंकि स्कूल ही ऐसी जगह पे बना हुआ है. सो वो चीजें भी ना हो. ठीक है, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल हो कि डिस्ट्रैक्शन ना हो. कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव ग्रुप सिचुएशंस हो, कि टाइम टू टाइम आपसे जो है कुछ एक कोऑपरेटिव एक्टिविटीज करवाई जाए, कुछ एक कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज रखी जाए. कॉन्जेनियल एनवायरमेंट एट होम, तो लर्निंग एनवायरमेंट घर पे भी बहुत बढ़िया होना चाहिए. ये भी ना हो जैसे कई बार होता है ना सीरियल्स में, आप देखते हैं कि उनमें लड़ाई झगड़ा ही चलता रहता है, तो उनके बच्चे पढ़ते कब होंगे वो तो पता ही नहीं. ठीक है, तो वो बच्चे की एनवायरमेंट जो है वो कहीं पे भी हो, चाहे वो स्कूल में हो चाहे वो घर में हो, आपको एक अच्छा प्रॉपर एनवायरमेंट चाहिए. ठीक है, प्रोविजन ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, ताकि वो क्रिएटिविटी, मतलब उनको अपॉर्चुनिटी भी मिले, वो खुद को एक्सप्रेस भी कर पाए, आपसे चीजें शेयर भी करें. सो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो है अफेक्ट करेंगे लर्निंग को. ठीक है जी, सो ये हो गए लर्निंग को इंपैक्ट डालने वाले फैक्टर्स. आपका होमवर्क ये है कि इस क्लास के साथ साथ लर्निंग थियरीज मैंने आपको करवा रखी हैं. मिनिमम बिहेवियरिज्म करवाऊंगी नेक्स्ट क्लास में. सो बिहेवियरिज्म के लिए, क्योंकि मैं दोबारा से थियरीज रिपीट नहीं करूंगी. ओके, सो और थियरीज तो वैसे भी मेंशन नहीं है, बट स्टिल मैं थियरीज आपको सजेस्ट कर रही हूँ. वो थियरीज आप मिनिमम उनमें से देखेंगे. एक थॉर्नडाइक की थियरी है ट्रायल एंड एरर की, पेवलोव की थियरी है जो डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था क्लासिकल कंडीशनिंग की, स्किनर की थियरी है किसकी, ऑपरेंट कंडीशनिंग की, और गाइने की. ठीक है, ये चार थियरीज मैंने करवा रखी हैं, तो मिनिमम ये चार थियरीज उस लर्निंग थियरीज की प्लेलिस्ट से, जो कि आपको कहीं आई बटन में भी मिल जाएगी, वहां से आप क्या करेंगे जी, करके आएंगे जब आप नेक्स्ट वीडियो देखने आएंगे. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेंशन मत लीजिए, 15 जनवरी के अराउंड में आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी. अगर अभी एक वीडियो आ रही है तो एक पॉइंट आएगा जब 2-3 वीडियो भी आए. ओके, तो आप लोगों का सिलेबस हो जाएगा 15 जनवरी तक. मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी निपटे, ताकि मैं नेट वाले बच्चों के ऊपर ध्यान दे पाऊं, बिकॉज नेट का भी एग्जाम फरवरी में ही है. ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज, एंड रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना बहुत जरूरी है. ओके, और सब्सक्राइब करना तो बहुत जरूरी है चैनल को, तभी तो आपको सारी चीजें मिलेंगी फ्री में. तो सब्सक्राइब कीजिए इनकलकेट लर्निंग को. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.